आज के दिन में हमारे होटलियर क्लब श्रीनगर गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स आपस में मिले थे। बस अपना यही हर जगह का हम आपस में कारोबारी बात कर रहे थे, इकॉनमी कहाँ पहुँची, टूरिज्म कहाँ पहुँचा, तो उसी सिलसिले में जो भी मसले हमारे थे वो आपस में देख रहे थे, गवर्नमेंट के साथ क्या मामला है, प्रमोशन की क्या पोजीशन है, तो यही चल रहा। तो प्रमोशन के हवाले से आपने किस सब के एग्जाम उठाए हैं जो टूरिज्म का जो आप क्या रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रमोशन का मसला है, हम गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं, उन्होंने पहले प्रमोशन अच्छी की कश्मीर की, मगर और भी बहुत करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारा सोनमर्ग है, ये नई नई डेस्टिनेशन बनी है, तो इसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें सारे मुल्क में ढुंढूरा देने की ज़रूरत है। एक बड़ी डेस्टिनेशन, हालांकि दैट इज पार्लर टू ए गुलमर्ग डेस्टिनेशन, मगर अभी तक लोगों को इतना पता नहीं है। मेरी यही गुजारिश होगी टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, टूरिज़्म सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, वो भी बड़े कीन हैं कि सोनमर्ग डेस्टिनेशन हमारी बड़ी चमकनी चाहिए। ये तभी चमकेगी जब लोग वहाँ आएंगे, इसको प्रमोशन की ज़रूरत है। मेरी यही गुजारिश है कि वो सारे हिंदुस्तान में, सारे कंट्री में इसका ढंडूरा दे दें। अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा ट्यूब भी वहाँ खुल जाएगा, तो उसका भी इंतज़ाम उन्होंने रखा है, तो प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है। टूरिज़्म रिन्यूअल के हवाले से भी एक सवाल है, क्या लग रहा है? ये असम साहब, ये बड़ी अफसोस की बात है, हमारे होटल बंद के हैं, बहुत सालों से बने हुए हैं, पता नहीं ये टूरिज्म ट्रेड लाइसेंस होती है जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसको देने की ज़रूरत है। अब पता नहीं क्या बदकिस्मती है, हमारे अफसरों को थोड़ा बहुत ही वॉश माइंड रखना पड़ेगा। अब होटल बन चुका है, बहुत सालों से है, अब आज के दिन उसमें नून में नुख्ते निकालने की क्या ज़रूरत है? होटल बना है, कमरे चल रहे हैं, लगे हैं, तो लाइसेंस दे दीजिए, खुदा न खासा कोई मसला हो जाए, फायर हो जाए, कुछ हो जाए, तो लाइसेंस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और वो होना चाहिए। तो हमने वैसे सेक्रेटरी टूरिज्म साहब ने कुछ दिन पहले हमें किसी एजी में ही मुबारकबाद दे दिया है, मैंने कर दिया, मेरी उससे फिर गुजारिश है मेहरबानी करके इसको करने की ज़रूरत है। सोनमर्ग में जो है उनकी ज़रूरत है, श्रीनगर में ज़रूरत है, गुलमर्ग में ज़रूरत है, पहलगाम में ज़रूरत है। अगर कुछ पोल्यूशन का कोई सर्टिफिकेट वो अलग करे, वो प्रदूषण एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हम उनके साथ ऑलरेडी मिले हैं, तो हम उनके साथ करेंगे ठीक ठाक। टूरिज्म को तो उसके साथ क्या है, उसको ट्रेड लेसन देनी है, तो दे शुड गिव द ट्रेड लेसन। तो आखिर पर जो विंटर टूरिज्म के हवाले से मुख्तसर में बताएं, अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं, किस किस्म के आपने होटल जो चल रहे हैं, किस किस्म की हदायत है, क्या इंतजाम? देखिए, जहाँ तक स्टेट होल्डरों का मसला, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वॉपर्टी, हालांकि मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से, दे शुड बी ऑन अस कि भाई जो भी आपको रिपेयर करने हैं, रेनोवेशन करनी है, नए बाथरूम बनाने हैं, आज का ज़माना है, आज कल तो हम पहलगाम में भी अब सेंट्री एयर कंडीशन की ज़रूरत है, नॉट हीटेड, ठंडा भी, तो उसको यहीं से होटल वालों को कहना चाहे, बड़ा डील बना के भाई आपका हीटिंग नहीं है, आपकी एयर कंडीशन नहीं है, आपकी ये फैसिलिटी नहीं है, ये करने की ज़रूरत है। अगर हम सारे वर्ल्ड मैप पर इस वक्त हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कश्मीर टूरिज़्म, एंड हकीकत भी वही है, कश्मीर इज़ द ओनली डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री, तो यहाँ ऐसे तमाम इंतजाम होने चाहिए। अब गुलमर्ग मैं इतना है कि वहाँ भी करें, जितने भी मसले हल करने हैं, ताकि पार्लर भी रहे, मोनोपोली भी ना हो जाए, हम भी अच्छे कमरे दे पाए, अच्छे बाथरूम दे पाए, ताकि हमारे गेस्ट यहाँ से खुशी से निकले, वही हमारी स्टेट की इज्जत है, वही हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की इज्जत है।